गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, माई सब्जेक्ट इज बिल्डिंग मटीरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। आई एम प्रोफेसर प्रियंका परिया। द टॉपिक इज द स्टोन्स। दिस इज द सेमेस्टर ऑफ थर्ड डिप्लोमा। दिस टॉपिक इज स्टोन्स। ओके, सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट वन इज द स्टोन्स। स्टोन्स फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटीरियल। यू नो वेरी वेल, स्टोन जो होता है हमारा बिल्डिंग मटीरियल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटीरियल होता है इन सिविल इंजीनियरिंग। ओके, स्टोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स। हमें पता है कि स्टोन्स हमारा जो बनता है वो कैसे बनता है, उसे हम डिराइव करते हैं रॉक्स में। विच फॉर्म्स द अर्थ क्रस्ट एंड हैज नो डिफाइंड शेप और केमिकल। ये हमारे अर्थ क्रस्ट से बनता है और इसका शेप और केमिकल्स हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। कॉम्बिनेशन बट आर द मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मिनरल्स। ओके, द मिनरल्स इज अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द नेचुरल इनऑर्गेनिक प्रोसेस एंड प्रोसेसेस आर डिफाइंड केमिकल कॉम्बिनेशन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दे आर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड डिसेंट इन अपीयरेंस। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और दिखने में डिसेंट होते हैं। द मेन यूजेस ऑफ स्टोन एज अ बिल्डिंग मटेरियल आर एज अ प्रिंसिपल मटेरियल्स फॉर फाउंडेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स, आर्चेस, अबटमेंट एंड डैम्स। हमारा जो फाउंडेशन, हमारा जो मटेरियल होता है, मतलब स्टोन्स जो होता है, वो कहाँ यूज़ होता है? फाउंडेशन करने के लिए या फिर अदर वर्क करने के लिए कंस्ट्रक्शन का, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वॉल्स, आर्चेस, अबटमेंट और डैम। ठीक है, इन स्टोन मैसोनरी इन प्लेसेस वेयर इट इज़ नेचुरली अवेलेबल। क्या होता है कि हम बहुत ही नेचुरली अवेलेबल हो जाता है हमें स्टोन मैसोनरी करने के लिए। एज कोर्स एग्रीगेट इन सीमेंट कॉन्क्रीट क्रस्ट फॉर्म ऑफ रॉक। What are the engineering and physical properties of stones? इस टाइप के आपने स्टोन्स देखे होंगे, इस टाइप के कुछ हाउसेज भी देखे होंगे। पहले के समय भी हम इस टाइप के हाउसेज बनाते थे और अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शौक से इस टाइप के स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन्स। सो लेट सी, द फॉलोइंग आर द इंजीनियरिंग एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टोन्स दैट शुड बी लुकड इन टू बिफोर सेलेक्टिंग दैम फॉर इंजीनियरिंग वर्क। फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोन मे बी स्ट्रेटिफाइड। आपका जो स्टोन का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? मे बी स्ट्रेटिफाइड होगा, मतलब इन द सेंस क्या होगा, लेयर्ड होगी, उसमें लेयर बाय लेयर होगा, और अनस्ट्रेटिफाइड। स्ट्रक्चर्ड स्टोन्स शुड बी ईजीली ड्रेस्ड। आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो स्टोन का जो कि ईजीली ड्रेस्ड हो जाए एंड सुटेबल फॉर सुपर स्ट्रक्चर। अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन्स आर हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू ड्रेस। यदि अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन्स होते हैं तो वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं आपकी ड्रेसिंग करने में। दे आर प्रेफर्ड फॉर द फाउंडेशन वर्क। आप सबसे पहले इसे प्रेफर करते हो फाउंडेशन वर्क करने के लिए स्टोन्स का। नेक्स्ट आएगा आपका टेक्सचर। टेक्सचर क्या होगा? फाइन ग्रेन्ड स्टोन्स विथ होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन लुक अट्रैक्टिव एंड हैंस दे आर यूज फॉर कार्विंग। सच स्टोन्स आर यूजली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। एंड देन नेक्स्ट इज द डेंसिटी। डेंसर स्टोन्स आर स्ट्रॉन्गर, लाइट वेट स्टोन्स आर वीक, हैंस स्टोन्स विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 2.4 आर कंसिडर अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग्स। नेक्स्ट इज द अपीयरेंस। अ स्टोन विथ यूनिफॉर्म एंड अट्रैक्टिव कलर इज ड्यूरेबल इफ ग्रेन्स आर कॉम्पैक्ट। मार्बल एंड ग्रेनाइट गेट वेरी गुड अपीयरेंस व्हेन पॉलिश्ड, हैंस दे आर यूज फॉर पेस वर्क इन बिल्डिंग्स। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू बी लुकड इन टू बिफोर सेलेक्टिंग स्टोन एज बिल्डिंग ब्लॉक। हमारे स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड रिकमेंड्स अ मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड रिकमेंड्स करता है हमें कि हमारी इसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो कितनी होगी? 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर एनी बिल्डिंग ब्लॉक। टेबल गिवन बिलो शो द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस स्टोन ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मटेरियल्स। यूजुअली अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ टैन इज यूज्ड टू फाइंड द परमिसिबल स्ट्रेस इन अ स्टोन। हैंस इवन लैटेराइट कैन बी यूज्ड सेफली फॉर अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बिकॉज इन सच स्ट्रक्चर एस्पेक्टेड लोड कैन हार्डली गिव अ स्ट्रेस ऑफ 0.15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हाउएवर इन स्टोन मैसोनरी बिल्डिंग्स केयर शुड बी टेकन टू चेक द स्ट्रेसेस व्हेन द बीम्स कंसंट्रेटेड लोड्स आर प्लेस्ड ऑन लैटेराइट वॉल।
crushing strength of common building stones. First is the name of stones is a crushing strength in Newton per mm square. So first one is the trap. Trap ki crushing strength kitni hogi? 300 to 350 Newton per mm square. Yahan par sari units kis mein hai? Newton per mm square mein. Basalt hoga aapka 153 to 189, granite 104 to 140, slate 70 to 210, marble 72, sandstone 65, limestone 55, and laterite 1.8 to 3.2. next is the hardness. It is an important property to be considered when stone is used for flooring and pavement. Coefficient of hardness is to be found by conducting tests on a standard specimen in Dory's testing machine. For road work, coefficient of hardness should be at least 70. For building works, stone with coefficient of hardness less than 14 should not be used. Percentage wear. It is measured by attrition test. It is an important property to be considered in selecting aggregate for road work and railway ballast. A good stone should not show wear of more than 2%. Next is the porosity and absorption. All stones have pores and has absorbed water. The reaction of water and stone with stone causes disintegration. Absorption test is specified as percentage of water absorbed by the stone when it is immersed under the water for 24 hours. For a good stone, it should be as small as possible and in no case more than 5. Weathering, rain and wind cast loss of good appearance of stones. Hence, stones with good weather resistance should be suited for face work. And then the toughness. The resistance to impact is called toughness. It is determined by impact test. Stones with toughness index more than 19 are preferred for road work. Toughness index 13 to 19 is considered as medium tough, and stones with toughness index less than 13 are poor stones. Next is the resistance to fire. Sandstones resist fire better. Argillaceous material through poor in strength are good in resisting fire. Next is the easy in dressing. Cost of dressing contributes to cost of stone masonry to a great extent. Dressing is vary in stones with lesser strength. Hence, an engineer should look into sufficient strength rather than high strength by selecting stones for building work. The last is the seasoning. The stones obtained from quarry contain moisture in the pores. The strength of a stone improves if this moisture is removed from before using the stone. The process of removing moisture from pores is called seasoning. The best way of seasoning is to allow it to the action of nature for 6 to 12 months. This is very much required in the case of laterite stone. These are the physical properties of stone. So, thank you so much.